हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बात डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा, फॉर देट आप इस जॉब का बात फारे से डिटेल्स में जान पाएं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इस जॉब में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका बात फारे से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कैडर सिविल, पोस्ट नेम असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, इंजीनियरिंग कैटेगरी सिविल इंजीनियरिंग, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए 5 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। इस जॉब में सैलरी लेवल 10 का दिया जाएगा, जिसमें 59,500 डीआरएफ एंड अदर अनाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा एज पर यूपीपी सीएल इफ एन सीएल। क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, देवनागरी अफक्रिप्ट में हिंदी रिटर्न का सफिशियंट नॉलेज होनी चाहिए, एज लिमिट मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। अगर आपका एज 21 से 40 साल के बीच में है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के एससी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ज्वाइनिंग करने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सिटीज एटसेट्रा प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। आप इसमें सिलेक्शन सीबीटी एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बैचुलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल से 75% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल हिंदी से 5% क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। ओके, और फ्रेंड्स देखिए, जो भी कैंडिडेट्स 30% से मार्क्स कम ऑप्टिन करते हैं उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, और सिलेबस सेम होगा एज गेट 2022। ओके, ट्रेनिंग डिसाइड किया जाएगा बाय यूपीपी सीएल। एप्लीकेशन फी उत्तर प्रदेश के एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 826 रुपीस पे करने होंगे, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी को 1180 रुपये पे करने होंगे, और देखिए अदर स्टेट्स के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1180 रुपये पे करने होंगे, और इसका पेमेंट आप एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे, एसबीआई बैंक चलान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस भी होने चाहिए। ओके, और फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को इस साइट से विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स, समीशन, कदी की कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए होना चाहिए 31/3/2022 के बाद का, ओके। और फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इफेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फाइनल मार्क्स शीट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट शैल हैव टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन अलोंग विद अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इस डॉक्यूमेंट ऑन द प्लेस, ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 24/5/2022 से 14/6/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट 24/5/2022 से 14/6/2022 तक पेमेंट कर सकते हैं। सीबीटी एग्जामिनेशन जुलाई के 3rd week में लिया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स, इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।